हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेंशन पाथ के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो मैंने जो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ले सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है वहां से लेने में तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप वहां जाकर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सपेंशन पाथ। देखिए, एक्सपेंशन पाथ क्या होता है? एक्सपेंशन पाथ रेफर टू दी लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट दैट शो दी लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि हमें एक कॉस्ट दी हुई है, टोटल कॉस्ट, और यहां पर हमारा जो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो रहा है, यानी कि यहां पर हमारा जो आइसो पॉइंट कर्व है, ये IQ1 कह लेते हैं। मान लीजिए 100 प्रोडक्शन लेवल करना चाहते हैं तो ये हमारा एक पॉइंट है, इसे कहते हैं ए। अब यही पॉइंट जो है वो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कहलाएगा। जैसे कंज्यूमर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होता है। इसका मतलब मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन इसे वो अचीव कर सकता है। अब सपोज कीजिए कि वो चाहता है अपने प्रोडक्शन को डबल करना और उसकी टोटल कॉस्ट भी उसी प्रपोर्शन में बढ़ जाती है। मान लिया हमने ये टोटल कॉस्ट बढ़ गई है, ये लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। तो लॉन्ग रन में अब उसके पास जो पॉइंट आएगा इक्विलिब्रियम का, वो आएगा पॉइंट बी, IQ2 में। इसी तरीके से मान लीजिए उसकी इनकम जो है या जो उसका टोटल कॉस्ट है वो और इंक्रीज हो जाती है ताकि वो अपने प्रोडक्शन को और इंक्रीज कर सके। तो मान लीजिए उसकी जो कॉस्ट है वो 300 हो जाती है। अब वो प्रोपोर्शनली लेबर और कैपिटल को ज्यादा यूज कर पाएगा और ये उसका IQ3 हो गया। यानी कि जैसे ऐसे ये जो है, ये टोटल कॉस्ट 100 है, ये टोटल कॉस्ट 200 है और ये टोटल कॉस्ट 300 है। इसी तरीके से प्रोडक्शन 100 का प्रोडक्शन है, यहाँ पर 200 का प्रोडक्शन है, यहाँ पर 300 का प्रोडक्शन है, और ये हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के सारे पॉइंट्स है जो हमें दिखाए हुए हैं। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, ऐसे करके जोड़ दें, तो ये कहलाएगा एक्सपेंशन पाथ। यानी कि हम क्या कहेंगे कि एक्सपेंशन पाथ रेफर टू द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट दैट शो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। यानी कि वो उन सभी कॉम्बिनेशनों को जोड़कर बनाया जाता है जहां पर लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन मिल रहा है। यानी कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को सभी पॉइंटों को जोड़कर अगर कोई कर्व बनाया जा रहा है तो इसको बोलते हैं हम एक्सपेंशन पाथ। यानी कि एक्सपेंशन पाथ क्या हुआ कि ये उन पॉइंटों को जोड़कर बनता हुआ एक सीधी रेखा में बनाया जाता है जहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो रहा है। यानी कि जो क्या दिखा रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट लेवल पे जो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होगा उन सभी पॉइंटों को जोड़कर अगर हम एक कर्व बनाते हैं तो उसको हम कहेंगे एक्सपेंशन पाथ। अब देखिए, एक्सपेंशन पाथ दो तरीके के हो सकते हैं, शॉर्ट रन एक्सपेंशन पाथ भी हो सकता है और लॉन्ग रन एक्सपेंशन पाथ भी हो सकता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं लॉन्ग रन एक्सपेंशन पाथ की। लॉन्ग रन में क्या होता है, कैपिटल और लेबर दोनों को एक साथ इंक्रीज कर सकते हैं और प्रोपोर्शनली इंक्रीज कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन एक्सपेंशन पाथ में क्या होगा कि जितने भी आपके जो एक्सपेंशन पाथ होगा वो पॉजिटिव स्लोप पे होगा, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है कि आपका लेबर भी इंक्रीज हुआ साथ ही साथ कैपिटल भी इंक्रीज हुआ। यानी कि अगर आप यहां पर यूनिट ऑफ लेबर की बात करें तो मान लीजिए L0 थी और यहाँ पर K0 थी। तो जैसे जैसे आप अपने ऊपर की तरफ जा रहे हैं आपका लेबर और कैपिटल दोनों ही इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे लॉन्ग रन एक्सपेंशन पाथ। अब शॉर्ट रन में देखिए क्या होता है। मान लीजिए हमने तीन कॉम्बिनेशन ले लिए हैं अपने तरफ से पहले की तरह ही, लेकिन इसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम इस तरीके से होगा। मान लीजिए IQ1 है, सॉरी IQ2 है और IQ3 है, ये आपका पॉइंट है ए बी और सी। तो लॉन्ग रन में हम लेबर और कैपिटल दोनों को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट रन में हम लेबर को इंक्रीज कर सकते हैं, कैपिटल को इंक्रीज नहीं कर सकते। इसलिए एक्सपेंशन पार्ट की जो शेप होगी वो
अलग तरीके की होगी। तो किस तरीके की शेप होगी एक बार देख लेते हैं। ये जो पॉइंट है ए, इसको कट करते हुए एक बिल्कुल सीधी की तरह चली जाएगी, आपका ये कहलाएगा एक्सपेंशन पाथ। यानी कि ये एक्सपेंशन पाथ क्या कहलाएगा, एक्सपेंशन पाथ कहलाएगा। इसका क्या मतलब हुआ एक्सपेंशन पाथ का, एक्सपेंशन पाथ कहलाएगा। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर आपको ये 200 का लेवल आउटपुट करना है तो इतना लेबर कैपिटल के जीरो और लेबर एल जीरो वन कहेगी, और अगर आपको अचीव करना है क्यू टू तो आपको इतना लेबर चाहिए क्योंकि आप कैपिटल को इंक्रीज नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आपको अपना आउटपुट लेवल 300 करना है तो आपको इतना लेबर यूज करना पड़ेगा। यानी कि इस तरीके का मतलब ये हुआ कि ये आपका एक्सपेंशन पाथ हो गया शॉर्ट रन में, जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा वो एक्स एक्सिस के, जो बताएगा कि केवल लेबर को इंक्रीज कर सकते हैं, कैपिटल को इंक्रीज नहीं कर सकते, लेबर ही बढ़ेगा कैपिटल नहीं बढ़ेगा। और लॉन्ग रन में एक्सपेंशन पाथ पॉजिटिव स्लोप का होगा क्योंकि ये बता रहा है कि लेबर और कैपिटल दोनों में एक साथ बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।